उज्जैन जिले की महितपुर पुलिस पर अभिभाषक ने झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाया है, जिसके निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर जिला अभिभाषक संघ ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला महितपुर का है, जहां अभिभाषक आबिद मोहम्मद मंसूरी ने बताया है कि गांव के कुछ किसानों द्वारा बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक ठेकेदार से बात की गई थी, जिसमें ठेकेदार द्वारा किसानों से ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए तकरीबन 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसको लेकर किसानों ने अभिभाषक आबिद मोहम्मद मंसूरी की मौजूदगी में ठेकेदार को 2.5 लाख रुपए भी दिए। ठेकेदार द्वारा रुपए लेने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया, जिसको लेकर आबिद मोहम्मद मंसूरी थाने में एक आवेदन दिया। आबिद मोहम्मद मंसूरी का कहना है कि पुलिस ने ठेकेदार पर कार्रवाई करने के बजाय उनके ऊपर केस दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज होने से नाराज आबिद मोहम्मद मंसूरी जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। ग्राम सिक्काकड़ी का मामला है, मेहतपुर का एमपीबी का ठेकेदार निखिल शर्मा, जिसके द्वारा किसान मुबारक हुसैन बेरुल्लाल गोर्धन सिंह के पैसे 2.5 लाख मेरे माध्यम से दिलवाए गए थे, उसकी वीडियो मेरे पास है। उसकी जब जानकारी लगी कि ये ठेकेदार नहीं है, तो उसने उनके खिलाफ मुबारक हुसैन और गोर्धन सिंह वगैरह ना थाने महतपुर पर आवेदन दिया। 7 तारीख के दिन उसके थाना प्रभारी द्वारा जब इसकी जानकारी लगी कि ये जो आवेदन दिया है उसमें मुझे थाना प्रभारी द्वारा ठेकेदार के निखिल शर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए मुझ पर प्रकरण दर्ज कर दिया। किस प्रकार का आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, कारण क्या है? किसानों के हित में मैंने न्याय के लिए गया था, उसके मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया उन्होंने। धारा उनने धमकी देने की धारा लगाई कि उनके वकील साहब द्वारा जो धमकी दी गई मुझे। ठेकेदार को आपने जो 2.5 लाख रुपए दिए हैं, वो किस चीज़ के लिए दिए थे? ठेकेदार को इनके ट्रांसफार्मर के लिए दिए थे। आपका नाम पर और इसके लिए मतलब मेहतपुर के जो जाहिद हुसैन जो गुंडे बदमाश है, जो मेहतपुर थाना के अंदर इनके पूर्व से ही बहुत रिकॉर्ड दर्ज हैं, उनके द्वारा एसपी साहब को भ्रामक स्थिति पैदा की जाकर मेरे खिलाफ असत्य आधार पर इनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया। हमारे जो महितपुर के एडवोकेट जी हैं, जिनके खिलाफ जब मुकदमा पंजीबद्ध किया है महितपुर पुलिस ने, तो उन्होंने बार एसोसिएशन उज्जैन को आवेदन दिया। तो आज हमारा अध्यक्ष महोदय और उनके साथ में वकीलों की टीम यहाँ आई है, एसपी साहब को आवेदन दिया है और एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपके साथ जबरदस्ती नहीं होगी, झूठी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये आश्वासन के बाद हम लोगों ने वापस नीचे आए हैं और आपसे बात करते समय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि प्रभावशाली लोग सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और प्रशासन लोगों को गुमराह करके अगर ये अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम जो लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी उनको भी कोर्ट में घसीटेंगे और हमारे जो संगठन है हम रोड पे उतरने पर हम कोताही नहीं बरतेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि सत्ता के बल पे वो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा है कि पूरे जिले के अंदर पुलिस की निष्क्रियता और पुलिस कृपा से दमन करने लगी है, उसका एक उदाहरण महितपुर का है। महितपुर के अंदर कृषक अपने ज़मीन पे डीपी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक ठेकेदार को 2.5 लाख रुपए द्वारा ठग लिया जाता है। जब उसको पता चलता है वास्तविकता के इसके अंदर मतलब ठेकेदार द्वारा ना तो उसके पास कोई लाइसेंस है और कुछ नहीं, और 2.5 लाख रुपए हजम करने के बाद आए उसने जब नहीं दिए गए तो कृषक द्वारा शिकायत की गई। उसके बाद जो महितपुर के हमारे जो अधिवक्ता हैं आबिद मोहम्मद मंसूरी इनके द्वारा इनके ऊपर पुलिस महितपुर द्वारा वहाँ पर एक असत्य प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है और जब ये शिकायत करने जाते हैं इनको धमकाया जाता है, अपमानजनक सूचक शब्द बोले जाते हैं, गालियाँ दी जाती है। जब अधिवासक समाज का अभिन्न अंग है, समाज के लिए न्याय दिलाने की बात करता है, उस न्याय दिलाने वाले के साथ अगर पुलिस इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक और इस प्रकार से जो अमानुषिक कृत्य करती है उसके संबंध में जब मुझे जिला अभिभाषक संघ के अंदर इनकी सूचना मिली तब मैंने अधिवक्ता को लेकर मैंने कहा एसपी साहब से, मैंने कहा मैं चलकर मिलने जाता हूँ और हमने एसपी साहब का अवगत कराया कि एक तो फर्जी ठेकेदार द्वारा 2.5 लाख रुपए लेकर
और मतलब ट्रांसफ़र नहीं लगाया जाता है। शिकायत करने पर उल्टे हमारे अभिभाषक के ऊपर असत्य प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है गंभीर धाराओं के अंदर, और उनके ऊपर और भी प्रकरण दर्ज करने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार से अगर ये जब अभिभाषकों के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, इसी बात को अवगत कराने के लिए मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया और मैंने सच्चाई से अवगत कराया। कुछ गुंडों द्वारा आके कल यहाँ पर झूठी जानकारी देकर और आके पुलिस अधीक्षक को भ्रमित किया, लेकिन हमने सारे तथ्य उनके प्रकरण उनके सारे दस्तावेज उनके सामने रखे हैं और एसपी साहब ने पूरे गंभीरता से इस मामले को देखने के लिए हमें आश्वासन दिया है। किस व्यक्ति ने पैसे दिए थे, कौन व्यक्ति क्या? ये हमारे जो कृषक हैं महितपुर के अंदर, कृषक मुबारक हुसैन जी द्वारा वहाँ पर अपने ट्रांसफार्मर लगाने के लिए एक एमपीबी के एक ठेकेदार को 2.5 लाख रुपए दिए थे, निखिल शर्मा, और उसके बावजूद भी उसने ना तो ट्रांसफार्मर लगाया और कुछ नहीं, और उल्टे उन्होंने सारे पैसे इनसे पैसे हजम कर लिए। इसकी शिकायत किसान द्वारा अधिवक्ता महोदय की गई और उसी पर से अधिवक्ता वकील साहब द्वारा दिया गया, और वकील साहब ने जब बोला है तो इनके ऊपर असत्य प्रकरण दर्ज कर दिया। आपका नाम? अशोक यादव, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ उज्जैन।